दिल्ली ने किया पलटवार, येलो आर्मी को मिल गई है जीत और आरसीबी और मुंबई को मिल गई है हार। तो सब पर डालते हैं आज नज़र। धोनी ने भी पाकिस्तान का को लेकर कुछ कहा है, सब बताऊंगा मैं यार। शुरुआत करते हैं वीडियो का बिना कोई समय व्यतीत के। मुंबई और चेन्नई का मुकाबला हो तो शोर होगा, रोर होगा, चेन्नई के मैदान में था। तो यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद जीता है चेन्नई, चेन्नई में मुंबई को हराया है। तो ये मुकाबले पर पहले डालते हैं नज़र। यहाँ पर मुकेश पतिनाना ने जीता, ये जीता मैन ऑफ प्लेयर ऑफ द मैच। और यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी ने पतिसंघा को लेकर क्या कहा कि ये श्रीलंका का बहुत बड़ा एसेट है और इसको संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए और इसे इसके वर्कलोड मैनेजमेंट पर काम करना चाहिए, इसे रेड बॉल की तरफ क्रिकेट में नहीं ले जाना चाहिए। ODI भी जितना वो कम खेलेंगे, ICC के मेन इवेंट वो खेलें तो उनका जो वर्कलोड मैनेजमेंट है वो अच्छे से करना चाहिए। और अगर बताएं शुरुआत से करें बात तो टॉस जीत के गेंदबाजी करने का क्या फैसला, उस पर भी वो उन्होंने कुछ बताया धोनी है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन शुरुआत करते हैं, मुंबई इंडियंस 139 रन उन्होंने बना दिए, जिसके अंदर नेहल वदिरे ने 64 रन की कमाल की पारी खेली है। एक स्टैंड आउट बल्लेबाज था, सूर्य कुमार ने भी 26 रन बनाया, 20 रन तो क्रिस्टन स्टम्प में भी जोड़े। और आपको बता देते हैं क्लब फॉर्मा ये मुकाबले के लोग क्लब नहीं थे, जॉफ्रा आर्चर खेल रहे थे, दीपक चहार 3 ओवर में 2 विकेट उन्होंने चटकाया, तुषार देशपांडे ने 2 विकेट, 3 विकेट पतिराना ने चटकाए, 1 विकेट रविंद्र जडेजा के खाते में भी थी और एक गजब का कैच भी उन्होंने पकड़ा। चेन्नई की जब एक बल्लेबाजी तो ऋतुराज गायकवाड़ ने 30 रन बनाया, उनका विकेट चावला ने चटकाया। और उसके बाद डेविन कॉनवे 42 बॉल में 44 रन उन्होंने बनाए, कॉनवे का विकेट आकाश मेंदवाल ने चटकाया, अजिंक्य रहाणे को भी तो पीयूष चावला ने आउट किया, रायडू का विकेट क्रिस्टन स्टम्प्स को मिला, तो शिवम दुबे ने 26 रन की पारी खेली जहाँ पर 92 मीटर्स का एक छक्का लगाया। धोनी ने 3 गेंदों के लिए वो आए, 2 रन उन्होंने भी जोड़े और मुकाबले को अपने बल्ले से ख़त्म किया। और विकेट बता देता हूँ, विकेट कॉलम्स के अंदर पीयूष चावला के 2 विकेट थे, क्रिस्टन स्टम्प के 1 और आकाश मेंदवाल के 1 विकेट। तो ये मुकाबले का ये था हाल। आपको बता देता हूँ धोनी ने क्या क्या कहा उनके वर्ड्स में, इट वॉज अ वेरी क्रूशियल गेम फॉर अ सिंपल रीजन, इफ यू सी द पॉइंट्स टेबल देयर आर मेडल इन दी मेडल, द लास्ट टू गेम्स द रिजल्ट हैव नॉट गॉन इन आवर फेवर, आई एम सो गुड to be on the winning side. I doubt the outcome with the decision of the top. I wanted to bat first, but the think tank thought about the game and I slightly outnumbered and we went with the majority. This was the confusion and we sit and talk about it. I felt the wicket will slow down and that was the reason behind it. If it rained, I thought that it will most part of the team will be done till then. तो ये उनका कुछ उनके शब्दों में ये कुछ उन्होंने कहा। तो ये था बात। और ऋतुराज गायकवाड़ के लिए 50 रन का कैच भी था, ये मुकाबले में हो गया हुक्म था। बता देता हूँ तो दूसरे मुकाबले की और अगर हम बढ़े तो वहाँ पर हमने गजब कैच चीज देखा, हमने एक माइल स्टोन पूरा हो गया देखा, विराट कोहली के 7000 रन जाएगा IPL टोटल में, IPL में खत्म होते हमने देख लिया। फिल शॉर्ट को यहाँ पर मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। बता देता हूँ कि RCB और दिल्ली का जो लास्ट 5 मुकाबला है वहाँ पर लास्ट मुकाबला दिल्ली ने ये वाला मुकाबला जीता, तो लास्ट वाला RCB ने जीता था। लास्ट के जो ये मुकाबले के मेरे लास्ट 4 मुकाबले सब जीता RCB और ये मुकाबले को दिल्ली ने जीत लिया है। और फिल्म सॉल्ट एंड IPL अवे 2 इनिंग 2 गोल्डन डक्स, होम में 151 रन, 50 स्ट्राइक रेट 181 और 250, 180 का जो रन चेज है उसको सबसे जल्दी इन्होंने चेज आज 7 विकेट से मुकाबला को जीता। यहाँ पर आपको बता देता हूँ रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के विराट कोहली ने 55 रन की पारी खेली, डी प्लेसिस ने 45 रन बनाया, महिपाल लोमलो मचाया शोर, 54 रन उन्होंने बनाए, दिनेश कार्तिक ने 11 और विकेट कॉलम में खलील अहमद के खाते में 1 सफलता, मुकेश कुमार के खाते में 1 सफलता, मिचल मार्श के खाते में 2 सफलता, वो एक ओवर में आई थी। दिल्ली कैपिटल्स की जाए बात तो डेविड वॉर्नर कप्तान ने 22 रन
मंगाया वो सिर्फ शॉप में 87 मिशन मार्क्स में 26 मंगाया और भाई 25 ये था पूरा मुकाबले का हाल। यहाँ 7 विकेट से ये जीता ये मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने। ये मुकाबला दिल्ली के मैदान में खेला गया और जो हुआ एकदम शानदार लाजवाब। आप देख रहे थे क्रिकेट विद ताज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।